Welcome, everybody. What's up? Hi, I'm waiting for everybody to join in. Love Darshan Rawal DZ. हाँ हाय मत बोलना. हेलो 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 एवरीबॉडी. मैं मुझे बोलने देना. यस एवरीबॉडी इज जॉइनिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम. आप सबका यहां पर स्वागत है विंग के इंस्टाग्राम पेज पर. और सबसे पहले आप सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा बिकॉज वी हैव जस्ट रीच्ड 50 मिलियन व्यूज ऑन असल में. और जैसे कि हर बार मैं कहता हूं कि ये सारा क्रेडिट आप लोगों को जाएगा और मुझे लगा आज भी वेट कराओगे. नहीं यार, मैं बहुत ही ज्यादा पंचुअल इंसान हूं. मैं टाइम पर आ जाता हूं. यस गाइस, असल में क्रॉसेस 50 मिलियन व्यूज एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू यू गाइस. थैंक यू वंस अगेन फॉर लविंग मी, फॉर सपोर्टिंग मी. ये हमेशा कहता हूं मैं और आगे भी कहता रहूंगा. हाँ यार, थैंक यू की दुकान. सॉरी आई एम गेटिंग कॉल्स अभी से. सो व्हाट्स अप गाइस, बताओ क्या हो रहा है आज. आई एम होपिंग कि आप लोग मुझे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे. अगर इफ यू हैव सम क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क मी. हाँ, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ वहां पर यूट्यूब पर, जितने हो सके. 21-22 हजार कमेंट्स हैं तो उसमें से मैंने 10 हजार तो पढ़े होंगे. के किंग बी, लव यू टू ब्रो. आई विल सी द स्केच दैट यू हैव मेड. खुशहाली. हाय, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? आई एम फीलिंग वेरी गुड, वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइस. और सबसे ज़्यादा नर्वसनेस जब गाना रिलीज होता है तब होती है, बट उसके बाद नर्वसनेस नहीं होती क्योंकि मुझे पता है कि उसके बाद आप लोग उस गाने को बहुत पसंद करते हो, उसे देखते हो बार बार. बट मशा भाई भी इधर. मशा भाई, कांग्रेचुलेशंस एवरीवन, यू मेड दिस सॉन्ग रियली रियली बिग. इट्स मैसिव. कांग्रेचुलेशंस टू यू टू. पार्टी तो बनती है. यस, टी शर्ट कब मिलेगी विनर्स को? मिल जाएगी यार. अभी सब सारे अलग अलग सिटीज में हैं, कुछ अलग देश में हैं, सो इट्स गोना टेक टाइम, बट यू विल गेट इट. नॉट इमोशनल राइट नाउ, वेरी हैप्पी. इमोशनल आई वॉज वेन द सॉन्ग रिलीज्ड बिकॉज वो दैट्स द मोमेंट एंड द सॉन्ग गोज टू यू गाइज. टुडे आई एम वेरी हैप्पी. और पहला पड़ाव हमने पार कर दिया 50 मिलियन का. एंड आई होप दिस सॉन्ग कीप्स ग्रोइंग इन योर हार्ट, आपके दिल में बढ़ता जाए. और आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस गाने को विंक म्यूजिक ऐप पर सुने, बार बार सुने, लूप पर सुने. रायपुर अभी आके गया मैं. शाइमा रिजवी, आई जस्ट केम टू रायपुर. और बहुत सारे सिटीज में आई कीप कमिंग, परफॉर्म करता रहूंगा. सो बताओ, आई एम वेटिंग फॉर इफ एनी क्वेश्चंस यू हैव. See, I'm asking, was Shivani Di the first one to get selected opposite to you? So, मुझे तो बहुत शूट के एक दिन पहले पता चला था was going to be against me. It's selected by the director, तो director takes a call कि मेरे opposite कौन रहने वाला है. So, वो decide करते हैं कि मेरे cast कौन करेगा. And Naushad bhai decides. So, I came to know about who's going to be opposite me very last moment. But yes, of course, we met और हमने discuss किया था the story. We decided what to do. So that's how it was then. Messy है, बहुत मस्त लगता है. Yellow हो गया messy थोड़े से. मुझे भी उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते वैसे. But अभी भी 50 मिलियन हुए हैं तो ना धो के ready होके बैठे हुए हैं.
पार्टी जो ही अच्छा है, पार्टी 100% जहां पर भी मैं जिस सिटी में परफॉर्म करने आऊंगा वहां पर तो शो यू आर गोइंग टू गेट द पार्टी. How do you manage to keep your energy at the peak after such back-to-back concert? It's difficult. बहुत ज़्यादा difficult है हर रोज़ travel करना, not to sleep, go to different cities. But the excitement is कि आप जब last में stage पर चढ़ते हैं and when you see thousands of people standing for you, shouting your name, so वो cover up कर लेता है. But थकान का डर नहीं रहता, गला खराब होने का डर रहता है. सो जब आप बैक टू बैक व्हेन यू परफॉर्मिंग और आप हर रोज डिफरेंट वेदर में हैं, अलग वेदर में हैं, हर रोज आपका पानी कीप्स ऑन चेंजिंग द वाटर यू ड्रिंक, वही दो चीज सबसे ज्यादा आपके गले को अफेक्ट करती है. सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट. ये डर बहुत ज्यादा डर रहता है. इट्स अ नाइटमेयर के सुबह उठे और गला खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्हेन यू डू अ शो पीपल आर वेटिंग, पीपल एक्सपेक्ट अ सर्टन काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस फ्रॉम यू, सर्टन काइंड ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम यू, और वो अप टू द मार्क होना चाहिए. सो वो प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है एवरी शो. वो वी कीप प्रेइंग दैट तबीयत खराब ना हो, बाकी सब ठीक है. एनर्जी तो व्हेन आई सी एवरीबॉडी शाउटिंग माय नेम वो मिल जाती है मुझे. बट इट इज डिफिकल्ट. बट यही सोचा था, यही सपना था, यही ड्रीम था कि गाने बनाएंगे, लोग गाने सुनेंगे और उनके लिए परफॉर्म करेंगे लाइव. और वो इट्स देयर नाउ, इट्स द टाइम. बियर्ड ट्रिम कर लो, हाँ करेंगे. नौशाद सर से कब, कहाँ, कैसे मिले आप? इसके पीछे बहुत 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 लंबी कहानी है. इस लाइव सेशन में नहीं बता पाऊंगा, बट आई थिंक वो बहुत मुझे लगता है कि कभी कभी किसी इंसान से मिलना आपके किस्मत और नसीब में लिखा होता है. सो मेरा नौशाद भाई से मिलना उस मोमेंट पर, कभी बहुत ही अलग तरीके से हम मिले थे, बट आई एम ग्लैड दैट आई मेट हिम एंड थिंग्स चेंज आफ्टर दैट. मेरे से ज़्यादा हार्डवर्क वो करते हैं, मेरे से ज़्यादा ड्रीम्स वो देखते हैं मेरे लिए. सो यस, तो मेजर क्रेडिट गोज टू नौशाद भाई एंड इंडी म्यूजिक लेबल अहमदाबाद. कह रहे हैं सो अहमदाबाद आई विल बी कमिंग वेरी सून, परफॉर्म करने भी आएंगे, ऐसे भी आएंगे. मेरे को भी देखो, इधर देखो, इधर हूं मैं किम. हाँ आप उधर हो. आपको मैंगो पसंद है? पसंद है, उसका सीजन जब होता है तब अच्छा लगता है. अभी कहाँ हूं? हूं कहीं ना कहीं. तो डोंट ड्रिंक रेड बुल. शो के वक्त पीते हैं, वैसे नहीं पीते हैं. शो के वक्त आई नीड रेड बुल. 50 मिलियन हो गया. आप बोलो पार्टी कब दे रहे हो? पार्टी जल्दी से देंगे, आपके शहर में आएंगे. सॉरी गाइस इफ मैं साइलेंट हो जाऊं, बिकॉज आई एम रीडिंग द कमेंट्स. आर यू एक्साइटेड फॉर पुणे कॉन्सर्ट? वेरी एक्साइटेड. नहीं बियर्ड ट्रिम मत करना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन है यार. कुछ लोग कह रहे हैं ट्रिम कर देना, कुछ कह रहे हैं मत करना. असल में का रिप्राइज वर्जन, अभी रिप्राइज वर्जन नहीं, बट अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्जन वाज देयर इन एमटीवी बीट्स, दिल बीट्स में. अब कोलकाता कब आओगे? अभी तो नहीं पता, अभी तो फिलहाल पुणे जा रहे हैं, उसके बाद दिल्ली जा रहे हैं. सिटीज अगर आप मुझे पूछेंगे कब कहाँ आऊंगा तो मुझे नहीं पता, द टीम नोज, वो मुझे बताते हैं. अभी सिर्फ मुझे दो सिटीज पता है जहां मैं जा रहा हूँ, पुणे जा रहा हूँ और दिल्ली जा रहा हूँ. रेड बुल गिव्स मी विंग्स सो दैट आई कैन फ्लाई. सो यस गाइस, शादी कब करोगे? मुझे नाचना है तुम्हारी शादी में. बहुत टाइम है, अब बहुत टाइम है. अभी तो बहुत गाने करने हैं. इट्स जस्ट द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ 2020. और भी मैंने अमेजिंग गाने बनाए हैं आपके लिए जो धीरे धीरे आएंगे. दे गोइंग टू कम वेरी सून. इस साल कुछ
करीबी लोगों के लिए भी गाने बना रहा हूँ. मेरी वॉइस नहीं होंगी पर मेरी 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 धुन होगी, मेरी कंपोजिशन होगी, वो भी आप सुनोगे. कोलैबोरेशन भी हैं इस साल. सो दिस ईयर इज गोइंग टू बी अमेजिंग. और आप सबको तो मैं थैंक यू कहता ही हूँ, बट मुझे आई वुड लाइक टू थैंक विंक म्यूजिक एज वेल. बहुत क्यूट है विंक म्यूजिक. वो आप लोग भी कमेंट करते हो ऑन माय पोस्ट, आई सी. सो थैंक यू फॉर मेकिंग माय सॉन्ग्स रीच टू माय ऑडियंस एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके हैंडल से लाइव जाके मेरे फैन से बात करूं. 2020 का बेस्ट कॉन्सर्ट कौन सा है अभी तक अगर रेट करूं मैं तो मैत्री कॉलेज का कॉन्सर्ट बहुत ही खूबसूरत रहा है. द एनर्जी वॉज आउटस्टैंडिंग. आई थिंक एवरी कॉन्सर्ट हैज अ डिफरेंट फील. बेस्ट किसी को नंबर वन मैं नहीं कहूंगा, बट मैत्री कॉलेज वॉज अमेजिंग. आई हैड अ ग्रेट टाइम परफॉर्मिंग देयर. जब हाँ क्यूट है विंक म्यूजिक. अरे नहीं, बिकॉज वो कमेंट करते हैं व्हेन आई पोस्ट अ पिक्चर तो उनका कभी कभी कमेंट आता है फॉर ऑल द विंगस्टर्स एंड दर्शनर्स. सो दैट्स वेरी क्यूट. गाइज और सिटीज का नाम जैसे मैं कह रहा हूं, अगर आप मुझे पूछेंगे मुझे नहीं पता. और मैं एज यू ऑल नो कि मैं परफॉर्म करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता हूँ. आई कीप ऑन परफॉर्मिंग जितना हो सकता है जितना. बट आई थिंक आफ्टर मार्च थोड़े दिन वी आर गोइंग टू टेक ब्रेक. हम थोड़ा सा वी आर गोइंग टू मेक म्यूजिक. काफी म्यूजिक भी करना है, सिर्फ परफॉर्म करते रहेंगे तो म्यूजिक नहीं बना पाएंगे. सो वी आर गोइंग टू टेक अ स्मॉल ब्रेक टू मेक सॉन्ग्स. 2020 में और कितने बॉलीवुड सॉन्ग्स आने वाले हैं, कुछ गाए हैं मैंने जो आएंगे, नाम नहीं बताऊंगा अभी. एक्साइटमेंट सरप्राइज होनी चाहिए. So, yeah. आपको भी प्राची पलाडिया, आपको भी टी शर्ट चाहिए तो आपको जब मैं आपके नजदीकी किसी शहर में कॉन्सर्ट करने आऊं तो आपको आना पड़ेगा उस कॉन्सर्ट में. देन यस, गुवाहाटी वॉज अमेजिंग. बहुत ही गुवाहाटी में बहुत बहुत मजा आया था. बहुत कम टाइम के लिए परफॉर्म किया था हमने. हाँ एक्चुअली गुवाहाटी में ही गाना लॉन्च हुआ था 11 बजे एंड 12 o'clock वी वर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज. वहां फर्स्ट टाइम गुवाहाटी में परफॉर्म किया था. शुभी डीट शर्ट नहीं भेजा अभी तक, रुक जाओ मिल जाएगा. अगर आपका नाम अनाउंस हुआ है तो कुरियर हो गया. हो गया कुरियर, पहुंच जाएगा अभी. सुनेहरा से माय नेम इफ यू लव मी लेट मी हियर यू. सुनेहरा, लॉज एंड लॉज ऑफ लव टू यू. यू आर लुकिंग थिन, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट आई वुड लव टू टेक. अभी कुछ 10 दिनों से जिम बंद है पर वापस शुरू करने वाले हैं. परसों तो काश ऐसा होता कि लिरिक्स भूल गए थे आप. यार इतने गाने बनाता हूं मैं, इतनी लिरिक्स मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं तो मैं सच में आई फॉरगेट द लिरिक्स. पर मैं इसलिए ऐसे अभी गाने बनाता हूं कि आप लोग याद कर लो और जब मैं कॉन्सर्ट में आऊं तो फिर मिलकर गाएंगे. तो अगर मेरे से कोई मिस्टेक होती तो आप लोग मदद कर देना. पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे कॉन्सर्ट में जाने के लिए ऋषि डीजेड. उनको मेरा ये वाला वीडियो बताना. मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज इनको अलाउ करना. दे विल हैव अ गुड टाइम, वो एंजॉय करेंगे और जल्दी से घर आ जाएंगे वापस. धन्यवाद, बहुत ही जबरदस्त धन्यवाद. बहुत टाइम लग गया था हमको पहुंचने में और बैंड और मेरी सबकी एनर्जी बहुत ऐसे डाउन हो गई थी कि यार, बिकॉज कोलकाता हमने सुबह फ्लाइट कहीं से परफॉर्म करके आ रहे थे, कोलकाता लैंड किया, फिर 6-7 घंटे की थी हार्दिक, 6 घंटे की ड्राइव थी और वहां पहुंचते ऐसा हो गया था कि आप कैसे परफॉर्म करेंगे. बट द मोमेंट वी गॉट ऑन स्टेज द काइंड ऑफ एनर्जी धनबाद हैड, सारी थकान गायब हो गई. फिर ऐसा लगा कि बस कॉन्सर्ट चलता रहे. कोलकाता में घर ले लो. हाँ, व्हेन इज नेक्स्ट सॉन्ग विद निर्माण कमिंग. निर्माण सर बहुत बिजी हैं, जब वो फ्री हो जाएंगे तो उनके साथ भी करेंगे. सो एक लाइव तब हुआ था जब गाना रिलीज हुआ था और एक लाइव आज फिर से हो रहा है ऑन 50 मिलियन. दैट्स अमेजिंग. व्हेन आर वी गोइंग टू गेट शॉर्टलेस पिक्चर ऑफ डीआर.
ये गाना रिलीज के बाद मैं एक महीना थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ, वरना अभी तक तो आ गया होता, पर ये एक महीना फिर वापस केक खाना शुरू कर, आप लोग ही केक लेकर आते हो तो केक खाना शुरू कर देता हूँ, सब कुछ खाना शुरू कर देता हूँ। मेरे साथ साथ अर्शाद भाई का भी जिम छूट जाता है, रिग्रेट करते हैं, गिल्ट में जाते हैं, और अब वापस नेक्स्ट गाने की तैयारी शुरू कर देंगे। सो गेटिंग द जिम बैक सून, तो लेट्स सी कब। सारे पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज हम मेरे प्यारे दर्शनर्स ऑफ ब्लू फैमिली को अलाउ करें कॉन्सर्ट में आने के लिए, प्लीज प्लीज उनको देखने दो कॉन्सर्ट। मैं भी चाहता हूँ कि मैं मिलूँ सारे दर्शनर्स को और सारे ब्लू फैमिली को, और उनको मैं एंजॉय करवाऊँ कॉन्सर्ट में। आप एक काम कर सकते हो, कहीं कहीं तो आप अपने पेरेंट्स को भी लेकर आ सकते हो, जैसे आई सी समटाइम्स यू फैंस गेट योर गेट देयर पेरेंट्स अलोंग, सो दैट्स ऑल्सो वेरी क्यूट। ठीक है गाइस, आई थिंक आई विल टेक योर लीव। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, सबके कॉम्प्लीमेंट्स ही है मेरे लिए सारे। ठीक है गाइस, थैंक यू वंस अगेन फॉर लविंग, असल में यही प्यार मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और इंडिपेंडेंट गाने बनाऊं और इंडिपेंडेंट म्यूजिक करूं, एंड दिस प्रूव्स द पावर ऑफ फैंस नॉट द आर्टिस्ट। हाँ विंक तो आप डेफिनेटली, बट ये प्रूव करता है आप लोगों का पावर, दैट आप लोग के पास इतना, यू गाइज हैव एन अमेजिंग पावर टू क्रिएट अमेजिंग आर्टिस्ट लाइक मी। मुझे आप मोटिवेट करते हो बहुत सारा, सो प्लीज कीप सपोर्टिंग मी, माई म्यूजिक ऐसे ही सुनते रहो असल में, और अमेजिंग गाने बैक टू बैक आते रहेंगे। विंक म्यूजिक सुनते रहो, और अभी इस लाइव के बाद भी गोडू असल में और कमेंट करना, वी आर स्ट्रेट अवे फ्रॉम विंक म्यूजिक लाइव, सो आई कम टू नो कि ये सारे लोग वहाँ पर आए, सो असल में पर भी कमेंट करना, एंड थैंक यू वंस अगेन, बहुत सारा प्यार आप सबको, एक टाइट हग, कीप लविंग असल में, एंड गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड स्प्रेड लव।